नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल स्काउट का तो मजा तो पूरा आ रहा होगा। आज हम आपको नुब्रा वैली में दीक्षित मॉनेस्ट्री ले चलेंगे, जो कि नुब्रा वाले तिराए से लगभग 20 किलोमीटर, ले से लगभग 100। और भाई दोस्तों, इस सीन में हाथ जोड़ के आप समझ तो रहे हो हम क्या कहना जा रहे हैं। भाई सब्सक्राइब करिए। यहाँ से आगे बढ़े हैं दीक्षित मॉनेस्ट्री। यहाँ होटलों के वगैरह के नंबर भी आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल दीक्षित मॉनेस्ट्री के एंट्री गेट से समझ लीजिए। ये आप नंबर लेके आप बुकिंग भी करा सकते हैं। रास्ते तो पूरे खूबसूरत नहीं है और ये हम लोग मॉनेस्ट्री के अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये इनका मेन गेट आ गया एक, इससे हम लोग धीरे धीरे करते हुए ऊपर गए। गाड़ी आपकी बिल्कुल ऊपर तक जा सकती है। एंट्री टिकट वगैरह लगती है पर पर्सन 30 रुपीज के हिसाब से। और यहाँ आगे एक हम लोग को अच्छी चीज मालूम चली भाई, यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था दीक्षित मॉनेस्ट्री के अंदर, और भी मार्केट से कम रेट। भैया हमने आपको बता दिया, आप यहाँ जाके रुक सकते हो, वरना आपके टूर ऑपरेटर वगैरह तो आपको महंगा वाला टिका देंगे। पक्की बात है। तो दोस्तों, दीक्षित मॉनेस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि नुब्रा वैली की ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है और यहाँ पे ये गोम्पा मॉनेस्ट्री 10,300 फीट की ऊंचाई पे, और इसमें मैत्री बुद्धा की ये मूर्ति लगभग 106 फीट ऊंची है। दूर से देखने में ही आपको अपनी ओर खींचती, दूर से जब हम लोग देखते हैं नीचे से तो ये मूर्ति ही नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते आते हैं तो लगता है एक छोटा मोटा शहर बसा हुआ। मॉनेस्ट्री के अंदर ही स्कूल वगैरह भी हैं सब, और जी उनके मॉन्क्स वगैरह के रहने के लिए व्यवस्था। हम लोगों को लगता है इतनी दूर ये लोग जाते कैसे होंगे, पर भैया उनकी रोज की हैबिट है। हम लोग तो इतने में भाई हवा टाइट हो जाए। और भाई जैसा कि सभी पूजनीय स्थलों पे होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बेहतरीन लोकेशंस में हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने लंबे 5-5-6 घंटे के सफर के बाद जब आप ऐसी जगह जाते हैं तो सारी थकान अपने आप उतर जाती है इन बेहतरीन नज़ारों को देखते हुए। लोग आते हैं यहाँ पे 2-2, 4-4 घंटे ऐसे ही गुजार देते हैं। हम लोग को आइडिया नहीं था कि यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था नहीं, 100% श्योर था कि यहीं पे रुकते रहा। थोड़े से ड्रोन शॉट देखिए आप लोग हमारे साथ। बिल्कुल 360 डिग्री व्यू आपको दिखा रहे हैं। कुछ तो कमेंट करिए, लाइक तो जरूर करिएगा। भाई ये प्रेयर बेल्स लगी हुई हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ के कैफेटेरिया में आते हैं। दीक्षित मॉनेस्ट्री के अंदर ये बेहतरीन खाने वाला कैफेटेरिया है, जिसमें खाना भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। आपको बाहर किसी होटल में जाने से बेटर है कि यहीं पे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी लेना हो आप लें। तो दोस्तों, पेट पूजा करके हम आगे बढ़े। और इतने खूबसूरत नजारे देख के आत्मा तो अंदर तक तृप्त थी, आंखें भी पूरी तरह से भरी हुई बैठी थी। और लेकिन साथ ही साथ हमारी गाड़ी भी बोली, भाई अरे भाई हमारा डीजल वीजल भी भराओगे, हमारी भी टंकी खाली है। हमने बोला भैया पेट्रोल पंप चलो, बड़ी दूर दूर तक यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है। और भाई साहब लंका लग गई। पता चला कि यहाँ पे सिर्फ सुबह ही मिलता है पेट्रोल और डीजल, 2 बजे के बाद पेट्रोल डीजल मिलता ही नहीं है। अगले दिन सवेरे आइए 6 बजे लाइन लगाइए, क्योंकि ये बहुत दूर के एरिया को कवर करता है। यहाँ से लोग नॉर्मली पेंगोंग होते हुए ले जाते हैं तो पूरे रास्ते पेट्रोल पंप नहीं है, तो लोग अपनी गाड़ियों की टंकी तो फुल कराता ही कराते हैं, साथ में कैनी भी होती है 20-20 लीटर की, वो भी फुल कराते हैं। भैया कल सवेरे आना है, भराना है और आपको पेंगोंग ले ले जाना है। तो दोस्तों, बने रहिए ट्रैवल स्काउट के साथ। कल सुबह मिलते हैं 6 बजे अगले ब्लॉग में पेंगोंग लेक के लिए।